Ustad Ahmed Jaan Thirakwa, who commonly is referred to as the Mount Everest of tabla. मुझे याद है उनकी बिल्कुल चेहरा, मतलब मैं अगर ऐसा सोचता हूँ बैठ के तो अभी एकदम मुझे दिखाई पड़ेंगे। उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब सर्वोपरि। ऐसा बजाना कि जब उनको देखें, सिर्फ यहाँ तक देखें, तो लग नहीं रहा कि हाथ से ये वजन से निकल रहा है। Every single composition he used to play, it's like as if he's singing. उनके तबले में इतनी सच्चाई थी, वो जो बोल बजते थे वो केवल साफ नहीं बजते थे, वो हृदय तक पहुंचते थे। आई कैनॉट एक्सप्रेस थिरकवा खान साहब इन लैंग्वेज। ऐसा मुकाम पर पहुंचा दिया तबले को कि उनके बगैर तबला अधूरा लगता है, कि जब तक थिरकवा खान साहब का बाज ना बजाया जाए। वो हर घराना बजाते थे, दिल्ली घराना भी बजाते थे, लेकिन उन्होंने फर्रुखाबाद घराने को नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा दिया। वो थिरकवा खान साहब थे। तालीम और जहन और भगवान की देन, ये सब मिल गए थे। उनके जैसा तबला वादक सब लोगों की एक सपना होता है कि मैं भी वैसा तबला वादक बन सकूं। थिरकवा एक थिरकने का नाम होता है, उसका मतलब होता है थिरकना, यानी उनकी उंगलियां तबले पर जो थिरकती थी उसको कहते थे अहमद जान थिरकवा। It just changed the concept of how the same relas or the same kaidas or the same peshkars that were being played 70, 80, 90 years before, how they just presumed, just became a whole different world, a whole different concept, a whole different story, a whole different language, a whole different way of speaking, the tonal quality, the texture. What was unique about his tabla is the weight of both the hands, the coordination, the excellent balance, and the sound production, which took tabla to a height far beyond percussion and made it a musical experience. His older brother Mia Jaan Khan, who was probably around 25 or 30 years older to him, was a father figure in his life. Mia Jaan Khan thought, let's take this little boy, he was 12 years old, to Bombay. The great tabla guru Ustad Munir Khan was living in Bombay at that time. So he brought his younger brother Ahmed Jaan Thirakwa and made him the disciple of Ustad Munir Khan Sahab. Ustad Munir Khan Sahab, I should say at this point, was one of the most prolific tabla teachers, guru, player, composer. He was the first to embrace multiple gharanas and make it a part of his tradition. Because till then, tabla players were often belonging to any one gharana. So by the token of ganda, that is the sacred thread tied by the guru to the shishya, he belonged to the Farrukhabad gharana. But he took training from 24 masters in all, including Delhi and Ajrada and Lucknow also, the four major styles at that time. अब से 100 साल पहले जितने भी कलाकार थे वो घरानों में बंधे हुए थे कि हम अपने घराने का, सिर्फ अगर हम दिल्ली घराने के हैं तो दिल्ली का ही बाज बजाएंगे, अजराड़ा है तो अजराड़ा बजाएंगे, लखनऊ है तो लखनऊ बजाएंगे। लेकिन एक खान साहब ही ऐसे फनकार थे कि जिन्होंने ये परंपरा को तोड़ा। उस वक्त जितने भी तबले के घराने थे उनको बाखूबी खूब ऐसा बजाया कि उनका कोई सानी नहीं है। बड़े स्वाभिमानी आदमी थे, सेल्फ रेस्पेक्ट। मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने रेडियो प्रोग्राम बजाया तो ड्यूटी रूम में आए ड्यूटी ऑफिसर के पास अपना चेक लेने के लिए, तो पढ़े लिखे नहीं थे वो, तो वो
अपना अंगूठा लगाए। यंग ड्यूटी ऑफिसर था, उसने कहा खान साहब इतने बड़े कलाकार हैं आप, अब अपना नाम भी लिखना नहीं जानते। बोले मियाँ तुम कितने पढ़े हुए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एमए किया हूं। बोले हिंदुस्तान में कितने एमए होंगे जरा बताओ मुझे? बोले साहब सैकड़ों या हजारों होंगे। बोले अहमद जान त्रिखवा एक ही है। तो ये थे वो। वो कहते थे हम महफिल बजाए, दंगल बजाए, कॉन्फ्रेंस बजाए, हम क्या रिहर्सल। एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद विलायत खान साहब और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जुगलबंदी, पहली बार ये कॉन्सेप्ट मेरे पिताजी के दिमाग में आया था। खान साहब दोनों आ गए, विलायत खान साहब भी, बिस्मिल्लाह खान साहब भी, और पंडित अरविंद पारिख जी यानी विलायत खान साहब के जो पट्ट शिष्य, सीनियर शिष्य, उनके घर में रिहर्सल की बात हुई। पिताजी ने कहा खान साहब प्रोग्राम परसों हैं, लेकिन आज एक बार अरविंद पारिख जी के घर जाएंगे, विलायत भाई भी आए हैं, बिस्मिल्लाह भाई भी आए हैं, तो हम लोग एक रिहर्सल करेंगे। उन्होंने कहा क्या चीज़? बोले रिहर्सल। वो क्या चीज़? उन्होंने कहा, बोले रिहर्सल एक बार देख लेना। तो उन्होंने कहा लाहौल बिलाकुवत। बोले हमने जिंदगी भर दंगलें बजाई, महफिल बजाई, इस रिहर्सल क्या चीज़ है? उनको मनवाया पिताजी ने। उन्होंने कहा नहीं, इसलिए नहीं कि उनको आराम हो बजाने में, विलायत खान साहब को, बिस्मिल्लाह खान साहब को, तो इसलिए ज़रा आप, आपका कोऑपरेशन चाहिए। खान साहब फिर मान गए। Music was always in his mind. Besides music, he used to play cards. That he used to like it. When he used to teach, he was always very strict and disciplinarian, and he used to. You know, it was not that I'm teaching you this and I'm not going to teach. Everybody was same to him, as if he's the father figure. खान साहब ने कुछ कुछ चीजें दी मुझे, गते दी, टुकड़े दी, चक्रधार दी, कुछ कायदे रेले दी। खान साहब के पास से मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मालूम पड़ा, रियाज का तरीका, कैसे एक बोल पे पीसना चाहिए, रियाज करना चाहिए, घंटों तक रियाज करना चाहिए, ये चीज़ उनसे मुझे मतलब सीखने को मिला। जब मैं स्कूल जाता था तो शाम को 4 घंटे मुझे रियाज कराते थे, वो खुद भी बैठते थे। ही वॉज अराउंड 90 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। छुट्टियों के दिन 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को मुझे ऐसा उन्होंने रियाज कराया जिसको कहते हैं हड्डी तोड़ रियाज, बोन ब्रेकिंग प्रैक्टिस। वो मैंने पहली बार रियलाइज किया, एक ही बोल को दो दो तीन तीन घंटे बजाना, ऐसे लगता था माय हैंड्स आर गोइंग टू फॉल अपार्ट। मेरे वालिद के साथ, अच्छन महाराज के साथ, खान साहब रामपुर नवाब के यहाँ, ये लोग थे, एक साथी थे। पिताजी के साथ हमारे बहुत बजाए, बहुत, नवाब रामपुर के दरबार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर स्वयं नवाब साहब बैठते थे। मैं भी नाचता था उस वक्त तो, और उसके बाद लखनऊ रामपुर में तो नाचे, लखनऊ भी एक दो बार खान साहब बजाए हमारे साथ। और बड़े मतलब, क्योंकि मैं तो छोटा ही था तो मैं तो भाई बड़े थे, तो बड़े बुजुर्ग के नाम से उनको मैं बड़ा आदर भी, बड़ा प्यार करता था उन्हें, कि बहुत गुणी आदमी, बहुत ही गुणी आदमी हो। मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब धीकर धिंदा सभी लोग बजाते हैं दुनिया में, लेकिन आपका जो धीकर धिंदा का पहले जो धी बजता है ना, वो कहीं आवाज़ सुनी नहीं मैंने। तो बोले तुमने बड़ा पत्थर कितना देखा है? तो मैंने कहा वो हैदराबाद ट्रेन से जाते टाइम एक के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बोले तुम कितना उठा सकते हो बड़ा पत्थर? मैंने कहा इतना इतना उठा सकता हूँ। बोले जीते रहो। अब सोच लो कि गहरे कुएं में, जिसमें पानी भी गहरा है, कुआं भी गहरा है, और ऐसे कुएं में जो ये पत्थर डाल दोगे, जो आवाज़ आएगी वो मेरा धी है, ये उन्होंने बताया। इसका मतलब किस तरह का धी कृदिंदा में दाया बाया का कैसे मिलाप होना चाहिए,
और उसका वजन से कैसे नाद प्रकृति खड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में वो सोचते थे। जिस वक्त वो बजाते थे, कुछ कुदरत ही उनकी कुछ ऐसी थी कि जिधर को वो देखते थे तमाम पब्लिक उधर को देखती थी। एक मैं शेर ज़रूर सुनाऊंगा, वो उन्होंने बड़ौदे में सुनाया, वहाँ दिल्ली में भी सुनाया था उन्होंने। तेरे पर से झड़ने लगे शरर, न तू रो ए बुलबुल ज़ार पर, जलेगा कफस जलेगा कफस जलेगा कफस तेरे पर। और वो तेरे पर पे उंगली उठाते थे करके, इस तरीके से तेरे पर, जिस वक्त वो ऐसे उंगली उठाते थे जो लोग थे सब पीछा मुड़ के देखते थे, हालांकि वहाँ कुछ नहीं है। थिरकवा खान साहब टोन निकास एंड रेपर्टोर इन ऑल सेक्शन ऑफ तबला फ्रॉम बिगिनिंग टू द पेशकार एंड एंड टू द चक्रधर और लग्गी इन ऑल सेक्शन ही वॉज लाइकिंग। उन्होंने तबला के एकल वादन में सोलो परफॉर्मेंस में जो मकाम हासिल किया, उनके बाद जितने भी तबला प्लेयर हैं उनकी ख्वाहिश रही कि हमको भी उसकी कुछ बात मिले। He came from a musician's family. His father was a sarangi player, Hussain Bakhsh. His uncle, paternal uncle, Ustad Sher Khan, was a very prominent tabla player of that time. And even from the maternal side, the three uncles, Fayaz Khan, Fazli Khan, Baswa Khan, and their father, Baba Kalandar Bakhsh, they were very formidable tabla players of their times. So Thirakwa Khan Sahab, though his father insisted that he starts with the sarangi, he played sarangi for a few years in his childhood, but he was more inclined towards the tabla, and he felt that he was probably he would do better as a tabla player. He practiced 16 hours a day for 9 years continuously, totally locked up in a room. His older brother would look after his nourishment by sending nutritious food to him from a little window in the room. He covered nearly 4 generations of musicians. Just take one family, for example, Ustad Imdad Khan Sahab, the grandfather of Ustad Vilayat Khan Sahab, father Ustad Inayat Khan Sahab, Ustad Vilayat Khan Sahab himself, and even his son Shujat Khan. His performing career was over 80 years. Likewise, he played with the old historical figures like Ustad Alladia Khan, Ustad Allah Bandi and Zakiruddin Khan, the grandfathers of the Dagar brothers, then the father of the Dagar brothers, Ustad Nasiruddin Khan, with Dagar brothers themselves, his friends Ustad Mushtaq Hussain Khan Sahab, Ustad Fayyaz Khan Sahab, the great Aftab-e-Mosiki, and Bhaskar Rao Bakhle, Alauddin Khan Sahab, Hafiz Ali Khan Sahab, these were legendary figures, historical names. And the next generation, that is my father's generation, Pandit Ravi Shankar, Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Ustad Vilayat Khan Sahab, Bismillah Khan Sahab, from the same age group, Amir Khan Sahab, Ustad Latafat Hussain Khan Sahab, so many people he performed with, right up to one of the most popular musicians of today, Ustad Amjad Ali Khan Sahab. Sant Rishi log hote hai, wo jab baat karte hai, to baad mein jo vibrations hote hai, wo itne sachai ke vibrations hote hai, isliye unke baat ka asar बहुत हम लोगों के ऊपर होता है। ये संत महात्मा लोगों की जो बातें हैं वो उनके तबले में थी, जो चीज़ बजा रहे हैं वो ऐसे लगता थे कि इससे खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकती है। जो अभिजातता होती है संगीत जगत में, तबले में, म्यूजिक में, गाने बजाने में, अभिजातता क्लासिसिज्म जो होता है, वो उनके बजाने में ऐसा क्लासिसिज्म था कि उसका असर आज दिन तक कायम है। Thirakwa Khan Sahab had a very majestic personality. He carried himself in a very regal way. The way he dressed, he loved to dress very well, wear very good perfumes. He would wear generally a sherwani with his Rampuri topi and a very fine, elegant walking stick that he would carry. And his personality was such that if he entered a gathering of musicians or important people, himself would look like a nawab who has walked in, and people out of respect, seeing the personality, whether they knew him or not, would all stand up in a huge gathering. What a personality he had, very striking, very magnetic. Mm-hmm.
उस्ताद थिरकवा खान साहब और मेरे पिताजी पंडित निखिल घोष जी का एसोसिएशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे पिताजी ऑलरेडी गुरुदेव ज्ञान प्रकाश घोष जी और उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब के पास कई साल सीखा उन्होंने। ही वॉज वन ऑफ द फ्रंट रैंकिंग तबला प्लेयर्स ऑफ द कंट्री और उस दौरान थिरकवा खान साहब के साथ कई बार मुलाकात हुई तो थिरकवा खान साहब जिक्र करने लगे बार बार कि बेटा मेरे पास ऐसा ऐसा तबला है जो मैंने किसी को बतलाया नहीं और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में बुजुर्गों की निशानी है। तब पिताजी ने बात छेड़ी अपने उस्ताद से, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब से, तो अमीर हुसैन खान साहब ने कहा कि वो सही कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत उनको तजर्बा है, तुमसे हो सके तो उनको बुलाओ घर पर, उनकी खिदमत करो, उनसे सीखो, ये तबला नहीं तो खो जाएगा। और फिर पहले गुरु गुरुदेव ज्ञान प्रकाश घोष जी से जब पिताजी ने टेलीग्राम लंबा भेजा, उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया एक ही लाइन में, इफ यू सक्सीड वेयर आई कुडंट आई टेक इट एज माई सक्सेस। तो दोनों गुरुओं का एनकरेजमेंट, आशीर्वाद सब मिलने के बाद हमारे घर आए, पहले कुछ दो चार महीने रहे, फिर गए लखनऊ, फिर वापस आए, फिर 6 महीने रहे, फिर गए लखनऊ, फिर आए, फिर ऐसे करते करते 8-10 साल हमारे घर रहे। 90+ होने के बाद भी जिस तरह से वो रियाज करते थे, मुझे तो करवा देते 4-4 घंटे, ठीक है, पिताजी के साथ लेट नाइट कभी बैठते थे टिल अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, जब तक ये संगीत की दुनिया है उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब का नाम रहेगा। वंस इन मे बी मेनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स देयर कम्स अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, अ जायंट ऑफ अ जीनियस who sees the way clearly enough to be able to turn that corner and take that art form to a whole different level and the next step up. And Ustad Thiraqua Khan sahab was one of those giants. Jo unki taleem thi, jo unki sooj thi, unhone gana bhi sikha hua tha, sarangi bhi sikhe hue the, sur ko pehchante the aur tabla mein sur bolta tha. He was coming from a family of sarangi players, so the experience of miraga music, thumri music, dhrupad dhamar was already there in his system. He was a great vocalist, outstanding vocalist, and my father, even myself, had the great blessing of receiving not just tabla guidance from him but even a lot of vocal music and rare compositions which were not easily available anywhere else. Yeah.